Today we will start exercise 2D. This exercise बच्चे पिछले sums पे based होती है, जो first last exercise होती है वो थोड़ा सा बड़ा है screen. First sum फर्स्ट सम में बच्चे व्हाट सम प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड विल अमाउंट टू कितनी अमाउंट बन जाती है 6593.40 इन टू ईयर टाइम इज टू ईयर्स व्हेन द रेट ऑफ रेट आर 10% एंड 11% फॉर टू सक्सेसिव ईयर R1 को बच्चे 10% लिख दो, R2 को मतलब 11%. फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, सेकंड ईयर के लिए 11% है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के लिए बच्चे प्रिंसिपल लेट कर लो रुपी एक्स. ओके नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विराज क्या आएगा? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा बेटा विराज? रूपनीत सब पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल इज एक्स, रेट इज फर्स्ट ईयर का बच्चे 10% है, टाइम 1 है अपॉन 100. कट किया क्या आ गया हमारे पास रुपी एक्स अपॉन 10 आ गया बच्चे. कितना आ गया एक्स अपॉन 10. एक्स अपॉन 10. तो नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या आएगा? अंकित सर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन 10. वेरी गुड, दैट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर है ना. प्रिंसिपल एक्स था बच्चे, इंटरेस्ट हमारे पास एक्स अपॉन 10 आया है, दोनों को ऐड कर दो. 10 इज द एलसीएम, 10 एक्स प्लस एक्स क्या आ गया बच्चे हमारे पास 11 एक्स अपॉन 10 आ गया. यस और नो? यस सर. नाउ साथ में बच्चे रुपीज डाल देना. नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हरमन सर 11x ओवर 10. हाँ जो प्रिंसिपल है इंटू रेट 11%. हाँ सेकेंड ईयर का रेट क्या था बच्चे हमारे पास 11% था इनटू टाइम 100. कुछ नहीं कट हो रहा, 11 11s 121x, नीचे बच्चे 1000 आ गया. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट कितनी बन जाएगी बच्चे यहाँ पे? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल बच्चे ये वाला यूज करेंगे, दिस वन 11x अपॉन 10 प्लस इंटरेस्ट हमारे पास ये आया है 121x अपॉन 1000. अमाउंट हमें गिवन है क्वेश्चन में 6593.40. 1000 एलसीएम बच्चे जोया, यहाँ क्या आएगा बेटा फर्स्ट टर्म? यस सर. गुड मॉर्निंग सर. फर्स्ट गुड मॉर्निंग बच्चे. यस सर. फर्स्ट टर्म बच्चे क्या आएगी यहाँ पे? सो 11,000. नहीं बच्चे 10 इज ऑलरेडी देयर, 1100 आएगा बच्चे. 1100 क्या? 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 1000 आ जाए 100, 100 को 11 से क्या 1100? यस सर. यहाँ पे बच्चे सेम आएगा.
हाँ जी बेटा, डाउट है किसी को? नो नो सर। ऐड करो बच्चे इनको, ऐड किया 1 2 2 1 ये आएगा 1000। यहाँ पे बच्चे डेसिमल हटा लो, 40 नीचे 100 आएगा ना। कैलकुलेशन को जितना इजी कर सकते हैं करो। एक्स 659340 1000 बच्चे नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 इज ऑलरेडी देयर, 1221 बच्चे नीचे आ गया। 100 से 100 टू जीरोस कैंसिल। अब ये अप्रोक्सीमेट जाना चाहिए पूरा पूरा आई थिंक। 11 के टेबल पे देखते हैं हम। नहीं, 1221 किस पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है। 11 9 20 27 जा रहा है 3 पे। 407 यहाँ पे बच्चे, 3 2 6 3 1 3 29 9 3 27 23 7 3 21 8 0 7 4 11 नहीं, इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देखते हैं बच्चे हम। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कैलकुलेटर कहाँ गया? ये बच्चे 540 पे कट जाएगा पूरा पूरा। 400 के 7 के टेबल में ये आएगा 219780। 540 × 10 क्या आ जाएगा बच्चे? 5400 आ जाएगा। दैट इज द सम लेंट आउट। इतनी मनी बच्चे उन्होंने लेंट आउट की। तू बाहर क्यों निकल रहा है बार बार? विराज तो बाहर नहीं गया था, मैंने अभी एंटर तो किया है। तो फिर से मोबाइल चला गया था ना अभी। अच्छा, प्रिंसिपल बच्चे हमने फाइंड करने हैं। अमाउंट गिवन है, टाइम 2 ईयर, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, सेकंड का 11 है। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर एक्स सेलेक्ट कर लिया बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल एक्स है, रेट 10 है फर्स्ट ईयर के लिए, 1/100, 0 कैंसिल, एक्स अपॉन 10 आ गया। अब प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर बच्चे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट क्या होगी? प्रिंसिपल एक्स था प्लस इंटरेस्ट एक्स अपॉन 10 आया है, ऐड करके 11x/10 आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, ये प्रिंसिपल यूज करेंगे, रेट 11 गिवन है, 1/100, क्योंकि ये 10 नीचे आ गया उसका 11x/10 का। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया बच्चे, किसके इक्वल रखा? हमें गिवन है अमाउंट, क्वेश्चन में देखो। यस सर। उसके इक्वल रख दिया, इसको कैलकुलेट किया और कुछ नहीं किया। कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती? आती है, बस वो चीज है बच्चे। 540 × 10 5400 रुपीज आ गया। दैट इज द सम लेंट आउट। नाउ हाँ जी, जो 2C के 3 सम्स बचे थे सर, वो अपने आप करने हैं? कल बोला तो था कि जो डाउट हुआ तो पूछ लेना मुझसे। किए नहीं अभी तक? अभी तक खाली 8 तक किए हैं। 9 सम तो करवा ही दिया था मैंने। अभी तो पीछे से एक्सरसाइज करता ला रहा हूँ ना सर, क्योंकि मेरी 2A हो ही नहीं थी ना सर, तो 3 सम करता ला रहा हूँ सारे एक्सरसाइज। चलो कोई बात नहीं बच्चे, अभी कर लेना तो डाउट पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। सेकंड बच्चे, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट है मतलब जो इंटरेस्ट आएगा वो माइनस होगा पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर। एंड देखो, फर्स्ट ईयर भी 10%, सेकंड ईयर भी 10%, एंड 15% पर ईयर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर 15% लेस हुई। एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिशिएशन ऑफ द मशीन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एज लाइक, तीनों इंटरेस्ट फाइंड करनी है, ऐड करनी है एज परसेंटेज ड्यूरिंग द 3 ईयर। 3 ईयर के अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। फिर थोड़ा सा डिफरेंट सा हमें देख लो बच्चे,
let initial value of machine या starting value of machine, क्योंकि दी नहीं ना हमें यहाँ पे, let इसको चाहे तो बच्चे x लेके कर लो, चाहे 100 लेके कर लो, क्या करूं बताओ? x let P1 रुपी x ले लिया बच्चे, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट SI 1 लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल x, रेट 10% टाइम 1 अपॉन 100 बच्चे, यस सर, रुपी x बाय 10 आ गया, यस सर, नाउ P2 कितना आएगा जोया? वैल्यू ऑफ मशीन इन सेकंड ईयर स्टार्टिंग पे, यस सर, कितनी आएगी बच्चे? सो विल दे गेट एक्स माइनस एक्स ऑफ माइनस, पता चला बच्चे क्यों आया? डेप्रिशिएट लिख रहा, डेप्रिशिएट है तो 10x माइनस x आ गया, 9x बाय 10 आ गई बच्चे वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, यस सर, रूप कुछ समझ आया, आ रहा है बच्चे कि नहीं आ रहा आज? सर आ रहा है, आ रहा है, सेकंड चैप्टर किया नहीं ना आपने पहले? नो सर, चलो फिर तो शायद कम ही आए आज, बट फिर भी कोशिश करो जितना आ सकता है, P2 9x बाय 10 आ गया बच्चे, नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर SI2 लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है सेकेंड ईयर का? हरमन क्या आएगा बच्चे? सर 9x अपॉन 10 इनटू 10, वेरी गुड, अपॉन 1 इनटू 100, एक जीरो कैंसिल बच्चे, क्या आ गया 9x बाय 100 आ गई, P3 कितना आएगा रूप? सर 9x अपॉन 100 10 बच्चे, प्रिंसिपल दिस वन था ना, यस, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो लेंगे हम, माइनस 9x अपॉन 100 इज द एलसीएम बच्चे, जोया फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, 900 आएगी कि 90 आएगी? सर 90, 90, वेरी गुड, माइनस किया बच्चे 81x अपॉन 100 आ गया, रुपीस डाल देना साथ में, नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल बच्चे 81x अपॉन 100, रेट कितना विराज कितना यूज करेंगे? सर रेट 15% 15% ये बच्चे थर्ड ईयर का, फर्स्ट टू ईयर के लिए 10 था, नीचे एक 100 और कट कर भी सकते हैं, नहीं भी 20 में आ जाएगा, 100 में रख लो, 81 को बच्चे 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 ones are 15, 1 15 8s are 120 plus 1 121, 1215x अपॉन 10,000, 4 zeros होगी ना 1 के साथ, इतने रुपीस आ गया बच्चे, ये रफ है, नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, टोटल 3 years में कितनी डेप्रिशिएट हुई, टोटल डेप्रिशिएशन इन 3 years, फर्स्ट ईयर में कितनी डेप्रिशिएट हुई थी x बाय 10, सेकेंड ईयर में 9x बाय 100, थर्ड ईयर में 1215 अपॉन 10,000, इन तीनों को ऐड कर दो, सेकेंड ईयर में 9x बाय 100 एंड थर्ड ईयर में बच्चे 1215x अपॉन 10,000, एलसीएम इज 10,000, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1000 इंटू 9, 9000x, 100 को किससे करूं, 100, 900x, ये सेम ही आ जाएगा, ऐड करो बच्चे 15 एज लाइक 9 to 11, 1 carry 10 1 11, ये आ जाएगा, ये आएगा ना, यूनिट डिजिट ऐड किया ठीक है, 1 tens डिजिट ऐड किया 2 9 11, 1 carry
टू 9/11 अपॉन x साथ में है बच्चे नीचे 10,000 ये इतनी डेप्रिशिएट हुई। अब क्या पूछा उन्होंने परसेंटेज डेप्रिशिएशन ऑफ मशीन एज परसेंटेज परसेंटेज डेप्रिशिएशन ओवरऑल जितनी डेप्रिशिएट हुई है बच्चे वो अपॉन 10,000 मतलब ये आ जाएगा इनटू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन दैट इज x क्या ली थी हमने x इससे कट गया टू जीरोस कट हो गई सीधा डेसिमल लगा दो 11.15% पीछे आंसर चेक करना है इसका यही है कि हमने कोई मिस्टेक की है 2c का 2d का सॉरी सेकंड सम 31.15 आ रहा इन्होंने गलत किया है या हमने गलत किया कुछ कैसे बनेगा परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला है ना बच्चे टोटल डेप्रिसिएशन का यहीं पे गलत है कुछ मिस्टेक हुई है एक वन और था बच्चे यहाँ पे 111.5 हो गया एक मिनट 9,000 प्लस 900 प्लस 1215 ये ठीक आ रहा ऊपर देख लेते हैं कोई मिस्टेक x by 10 माइनस किया 10x 9x by 10 9x by 10 into 10 10% ही थे ना जीरो कट की 9x upon 100 आ गया ठीक है सर वहां आप x upon 10 ऐड करना था आप 9x upon 10 ऐड किया बच्चा प्रिंसिपल तो 9x by 10 ही है अच्छा फर्स्ट ईयर का तो x by 10 आना था ठीक है फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था x by 10 था मैंने 9x by 10 कर दिया यहाँ पे क्या आएगा 10 को किससे करें 1000 या 1000 आना था एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बच्चे सर आज मैंने क्लास अभी अभी ज्वाइन किया बता सकते हो आप क्या करवा रहे हो सेकंड डी एक्सरसाइज बच्चे ओके सर बस ये मिस्टेक थी बच्चे यहाँ पे मैंने 9x by 10 लिख दिया था x by 10 लेना था उससे आंसर आ रहा है बच्चे हमारा x upon 10 plus 9x upon 100 plus this यहाँ 1000 आ जाएगा यहाँ पे बच्चे ऐड करके 3115 आएगा देखो एक छोटी सी मिस्टेक होती है और सारा सम गलत हो जाता है 3115x into 100 upon हाँ जी बच्चे परसेंटेज निकालनी नहीं है डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी नहीं आती तेरे को इसे अगर ये 100 अपॉन x कैसा आया बच्चे तू मुझे ये बता परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं तेरे से टोटल तुम्हारे मार्क्स हैं 600 हैं 6 सब्जेक्ट्स हैं 600 मार्क्स हैं यू स्क्योर तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं वो आ गए 550 How to find the percentage? कितने परसेंट मार्क्स आए हैं तेरे कैसे फाइंड करेगा 600 परसेंटेज ही नहीं फाइंड करना आता तेरे को फिर नहीं How to find percentage marks कैसे निकालेगा आपने कभी परसेंटेज निकाली आपने मार्क्स की नहीं निकाली यार 10th में हो गया है अभी कभी भी नहीं निकाली क्या बात है मैंने फर्स्ट स्टूडेंट देखा ऐसा जिसने कभी परसेंटेज ही नहीं निकाली अपने मार्क्स की परसेंटेज आती है ना सर वो निकालनी जितने मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज फाइंड करना है इनटू 100 अपॉन कितने में से था 600 में से ये आता है ऐसे फाइंड करते हैं परसेंटेज ठीक है
अभी परसेंटेज डेप्रिशिएशन, टोटल डेप्रिशिएशन इतना था 3 ईयर का, यस सर, इनटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए अपॉन कितनी डेप्रिशिएशन स्टार्टिंग से ही पता करनी होगी, जितनी स्टार्टिंग में उस मशीन की वैल्यू थी वो एक्स आ गया नीचे, समझाई? इतने 3115 अपॉन था 100 रह गया, 2 जीरोस कैंसिल हो गई थी, 31.15% आ गया. ओके सर. बेस तेरा बहुत वीक है विराज, ये कॉमन चीजें हैं, ये तो सबको आती होती हैं, परसेंटेज फाइंड करनी या कुछ और. 9 तक स्टडी की नहीं ढंग से? की थी. चलो थर्ड सम, रचना बोरो रुपी 12,000 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. She repay rupee 4,000 at the end of every 6 months. Calculate the third payment she has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan. ये हमने सम किया हुआ है, क्यों कर दूं मैं, चलो मैं कर ही देता हूं. रचना बोरो रुपी 12,000. P1 लिख दिया मैंने, पहले मैंने पूरा लिखता था, मैं P1 लिख रहा हूं. P1 का मतलब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर. कितना बचे रुपी 12,000. रेट तीनों इयर्स के लिए सेम है ना, तो आर लिख दो 10% पर एनम. हाफ ईयरली है, शी रीपे रुपी 4,000, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर. फर्स्ट हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट इप्सिता क्या बनेगा बच्चे? सर जितना उसने रीपे किया. नहीं बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. सर ओके सर, सर 12,000 इनटू 10 इनटू 1/100. थोड़ा सा गलत है, हाफ आएगा. ओ सॉरी, हाफ ईयर. फर्स्ट हाफ ईयर है ना, टाइम हाफ ईयर आएगा. टू जीरोस कैंसिल बच्चे, यहां से 2 से 60 कितना आ गया, रुपी 600 आ गया. अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर A1 लिख दिया मैंने, दैट इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर. यस सर. 12,000 प्लस 600 ना. यस सर. रुपी 12,600. आज ज्यादा क्लियर है? यस सर. यस सर. चेंज कर लिया मैंने, आज तो नहीं वो हो रहा ब्लर. नहीं सर, नहीं हुई. जूम इन जूम, पहले जूम इन जूम आउट भी होता रहता था ना, अभी वो भी नहीं हो रहा है ना. Yes, sir. चलो अमाउंट 1 बच्चे 12,600 आ गई. नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर जोया कितना आएगा बच्चे? Yes, जोया कितना आएगा बच्चे? Yes, सेकंड ईयर प्रिंसिपल कितना आएगा बच्चे? So it'd be can I? No. Rupneet, kitna aayega beta? Sir, 12,600. Aur nahi kuch aayega saath mein? Sir, can I? Multiply yeah. 10. Nahi bache, abhi interest nahi find kar rahe, only principal is this one. Okay, sir. Yes, Ipshita. सर 12,600 माइनस जितना उसने रीपे किया था. वेरी गुड, देखो उन्होंने लिखा है ना, शी रीपेस रुपी 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ. 6 मंथ में उसकी अमाउंट इतनी बन गई, इतना उसने पे करना था, बट उसने पे कितना किया है 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ. तो माइनस करके बच्चे क्या आएगा, 8,600 आएगा ना. ये प्रिंसिपल बनेगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए. P2 क्या है? सेकेंड हाफ ईयर, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड हाफ ईयर. नाउ एस सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर. नेक्स्ट हाफ ईयर मतलब 7 मंथ से लेके 12 मंथ तक. प्रिंसिपल ये यूज करेंगे, रेट बच्चे वही 10 रहेगा, टाइम हाफ आएगा क्योंकि हाफ ईयर है, नीचे 100, 2 जीरोस कैंसल, 43.
43 इंटू 10 रुपी 430 आ गया. अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर बच्चे प्रिंसिपल 8600 प्लस 430. ऐड करो बच्चे 0364109030. ये अमाउंट आ गई सेकेंड ईयर की. नाउ प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, मतलब P3 लिख देता हूं मैं, तुमने पूरा लिख देना प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर 9030 माइनस कितना फिर पे किया 4000. उन्होंने लिखा है ना शी रीपेज रुपी 4000 एट द एंड ऑफ एवरी सिक्स मंथ. माइनस किया बच्चे 5030 आ गया, दैट इज P3. नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर, सॉरी नेक्स्ट हाफ ईयर या थर्ड हाफ ईयर जैसे मर्जी लिख दो. प्रिंसिपल ये रेट 10 बच्चे, टाइम फिर अगेन हाफ अपॉन 100, टू जीरोस कैंसिल. डेसिमल में देखो 503 अपॉन 2 बच गया, इसको डेसिमल में चेंज करो, 2 2 4, 5 2 10, 1.5, इतने रुपीज आ गया बेटा. दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. ये आगे बच्चे, अब उन्होंने क्या पूछा था, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट. दो टू पेमेंट्स उसने 4000 की कर दी, ये कर दी मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया. थर्ड पेमेंट वो कितनी करेगा टू क्लियर द इंटायर लोन, कितनी करेगी बच्चे वो प्रिंसिपल 5030 प्लस 251.5 लास्ट में 1538251.5. दिस इज द आंसर. समझ आ गया बच्चे? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. सर जितना हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था वो हमारा अप टिल नाउ सारा डेप्ट था जो उसने अब पे करना था थर्ड ईयर. हाँ जी, हाँ जी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बच्चे. उन्होंने लिखा है ना कि थर्ड पेमेंट कितनी करे कि क्लियर हो जाए उसका इंटायर लोन. फिर से समझ लो, उसने 12th, एक मिनट बच्चे, प्रिंसिपल इतना था स्टार्टिंग में, उतने इतनी मनी उधार ली थी, रेट 10% था, आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर उसका इंटरेस्ट बन गया 600, इतना उसने पे करना है ना इंटरेस्ट, मिलेगा नहीं क्योंकि बोरो की थी मनी, तो उसको देना पड़ेगा ये. तो फर्स्ट हाफ ईयर के बाद उसकी जो मनी लेंट आउट है वो 12,600 बन गई. समझाई मेरी बात इप्सिता? यस सर. इसमें से उसने कितना पे कर दिया आफ्टर हाफ ईयर? 4,000 पे कर दिया. कितनी मनी बच गई? 8,600 अभी उसने और पे करना है. अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर वो 8,600 पे लगेगा, जितनी मनी अभी रिमेनिंग है. तो 430 आ गया बच्चे कैलकुलेट करके. अमाउंट फाइंड की बच्चे, ये आ गई. अब उसने फिर से 4000 पे कर दिया था नेक्स्ट हाफ ईयर के बाद सेकंड पेमेंट, तो अब उसका मनी लेंट आउट इतनी रह गई ना बोरो जो की है वो रिमेनिंग, तो इतना ही बच गया. SI3 निकाला, इतना आ गया. अब दैट इज द अमाउंट. अमाउंट क्या आएगी बच्चे? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. इतना उसने अभी पे करना है, इतना रिमेनिंग रह गया. ओके सर. हाँ, तू क्या पूछ रही थी? आप पूछ मेरे से. सर मैं ये पूछ रही थी, यहाँ पे जितना उसने पे करना था हमारे पास बचा था 5000 आफ्टर वन ईयर, आफ्टर सेकंड हाफ ईयर, है ना? यस सर. और उन्होंने आफ्टर, हाँ जी, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया यहाँ पे हम उससे इसको माइनस नहीं करेंगे ताकि हमारे पास रिमेनिंग मनी बच जाए? क्यों बच्चे, यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन है? सिंपल इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा ना. मैं तेरे से पैसे उधार ले लेता हूँ तो फर्स्ट ईयर से हाफ ईयरली मैं तेरे को इंटरेस्ट देता हूँ, या मतलब 4000 की इंस्टॉलमेंट दे दी मैंने तेरे से 12,000. तो हम यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लेके चल, मैंने तेरे से 12,000 उधार लिए, सिक्स मंथ में 600 का इंटरेस्ट बन गया, इतनी मनी होगी, मैंने तेरे को 4000 वापस कर दिए. अब मेरे पास जो तूने मेरे से लेनी है वो 8600 पेंडिंग है. यस सर.
अब 8600 पे इंटरेस्ट लगाया, 430 इंटरेस्ट बन गया नेक्स्ट हाफ ईयर में, इतनी अमाउंट अभी पेंडिंग है आफ्टर वन ईयर। उसमें से मैंने 4000 को तेरे को फिर दे दिए, अभी कितनी बाकी रहेगी? 5030 आफ्टर ये वन ईयर है, मतलब सेकंड हाफ ईयर है, आफ्टर सेकंड हाफ ईयर। उसके बाद 18 मंथ के बाद तेरे को वापस करनी है जो बाकी मनी है, इंटरेस्ट हुआ नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट मेरे से नहीं लेगी, ये बोलो बताओ। सर ओके सर, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऐड होगा इसमें तभी फाइनल अमाउंट बनेगी जो मैंने पे करनी है। ओके सर, समझे? ओके सर, ओके सर। कभी कभी तू भी बहुत तंग करने लग जाती है कि नींद खुली नहीं अभी इप्सिता? सर खुल गई सर। खुल गई? सारे ना गालियां निकाल रहे होंगे मेरे को कि रोहित सर सुबह सुबह उठा देते हैं संडे वाले दिन भी। नो सर, फोन नहीं था सर इसलिए लेट ज्वाइन किया। फोन नहीं था? क्यों, फोन कहाँ था? सर दादू लेके गए हुए थे इसलिए नहीं था। ओके, दादू को कहो अंदर रहो, कोरोना चल रहा है। ठीक है, नो सर साथ में ही गए थे। अच्छा तू भी साथ में थी? नो सर। ओके, फोर्थ समझे। On a certain sum of money invested at the rate of 10% per annum compounded annually, the interest for the first year plus interest for the second third year is this. Find the sum. हाँ, थोड़ा सा confused कर दिया इन्होंने। On a certain sum of money invested at the rate of 10% per annum compounded annually, the interest for the first year plus interest for the third year. फर्स्ट ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दे दिया, उन दोनों का सम, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, सेकंड ईयर बीच में से छोड़ दिया, फाइंड द सम। पर हमें तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। से इसमें 100 लेट करके बनाइए ना। नहीं बच्चे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो वैसे नहीं बनेगा? बन जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सारे सम तुमने एक्स के अकॉर्डिंगली किए हैं या तो पहले किए होते। ओके सर, समझे? मैं तो कर दूंगा, फिर मेरी जान खाओगे ज्यादा। एक्स एक ही तरीका अपनाओ, एक्स लेके ही करो, कोई बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट वन, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए रेट हमें गिवन है 10% पर एनम फॉर ईच ईयर। सिंपल इंटरेस्ट अंकित क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल एक्स है, रेट 10 है, टाइम 1 है, अपॉन 100। क्या हो गया अंकित? कुछ नहीं सर, गालियां बड़ी लगती हैं सुबह सुबह। प्रिंसिपल सेकंड बच्चे, P2 एक्स प्लस एक्स बाय 10 ना। यस सर, 10 एलसीएम ले लिया बच्चे, यहीं पे ले लिया मैंने 10x plus x, 11x by 10 आ गया। That's the, that is the principle for second year. Simple interest 2. अब मैं थोड़ा सा short में कर रहा हूँ। Short में मतलब सीधा P1, R, S1 आगे कर दिया, P2 आगे कर दिया solve। तुमने नीचे करना है बच्चे, आगे नहीं करना। SI2 principle बच्चे ये use करेंगे। 11x by 10 into rate 10 है, time 1 upon 100, 10 से 10 cancel। कितना आ गया? 11x by 100 आ गया। Now P3, हरमन P3 कितना आएगा? Yes sir, 11x upon 10 plus 11x upon 100. 10 and 100, very good. 10 and 100 calcium 100 आ गया, 10 into 11, 110x. 100 को किससे करें 100? 1, 1 into 11, 11x. एड किया बच्चे 1 to 1x अपॉन 100, दैट इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। SI3 सिंपल इंटरेस्ट 3, इप्सिता? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट 3 कैलकुलेट करो सर, 121x इनटू
121 x upon 100 into 10 into 1 10 into 1 upon 100 again. एक जीरो कैंसिल कर दो और कुछ कट करने की जरूरत नहीं है. 121x अपॉन 1000 आ गया बच्चे हमारे पास. यस सर. अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था. सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो मैंने बॉक्स में कर दिया प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. इसकी वैल्यू गिवन है. हम दोनों के सम की वैल्यू गिवन है. यही दिया हुआ है ना. ये कुछ और भी है? नो सर यही दिया है. एक सेकंड बच्चे. नाउ क्वेश्चन में लिखा था सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. SI1 SI3 कितना दिया हुआ है बच्चे हमें? 2652 गिवन है. सिंपल इंटरेस्ट 1 की प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर देंगे x अपॉन 10 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3 के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी 121 x अपॉन 1000 2652 1000 एलसीएम आ गया बच्चे. 10 को किससे करें 100 100 इनटू x 100x 1000 को किससे करें 1 इनटू 121x 2652 ऐड किया बच्चे व्हाट वी गेट 2652 x बच्चे हमने फाइंड करना है. 2652 1000 ऊपर चला गया 221 नीचे आ गया. आई थिंक पूरा पूरा कट होना चाहिए. टू सिक्स फाइव टू को 221 से करो. 221 442 पे ठीक है. 12 पे बच्चे पूरा कट हो गया. x क्या आ गया 12 इंटू 1000 रुपी 12000. x क्या था बच्चे हमारे पास? प्रिंसिपल था. यही फाइंड करना था हमने. यस सर. मतलब वही चीजें बार बार बट x की फॉर्म में ली है बस. ठीक है क्योंकि हमें गिवन नहीं था. फिफ्थ सम During every financial year, the value of a machine depreciate by 12%. Find the original cost of a machine. मतलब starting principal find करना है. While depreciation by 2640 during the second financial year of its purchase. सिर्फ second year का बोला है उन्होंने. During the second financial year. दो 2 years की total नहीं है. Only for second year है ये. इस चीज का ध्यान रखना. Let value of machine original cost लिख दो. चाहे original cost जैसे उन्होंने लिखा है वैसे लिख दो. Cost of machine that is rupee x or we can say this is to be taken as principal one. Simple interest क्या आएगा first year के लिए? SI1. Yes Roop. Sir x multiplied 12 Into one upon 100. इसको मैं कट नहीं करूंगा. इसको मैं ऐसे ही रख लूंगा क्योंकि नीचे 100 ज्यादा बेटर है. पूरा पूरा कट होता तो फिर तो कट कर देते. पूरा कट होगा नहीं इसलिए ऐसे रख दिया. प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर क्या आएगा रूप? सर 12x upon 100. ये तो सिंपल इंटरेस्ट है. प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ मैं. x माइनस वेरी गुड 121 12x upon 100 बच्चे. x क्या है? उसकी वैल्यू मशीन थी. डेप्रिशिएट इतनी होगी तो माइनस करेंगे ना. यहाँ पे बच्चे 100 एलसीएम आ गया. 100x माइनस 12x आ गया. कितना आ गया माइनस करके? 88x आ गया अपॉन 100. इतनी रुपी डेप्रिशिएट हुई. वैल्यू ऑफ मशीन इन स्टार्टिंग ऑफ सेकंड ईयर ये
सिंपल इंटरेस्ट 2 निकाल लो बच्चे, प्रिंसिपल 88x/100, रेट 12 है टाइम 1/100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है जो सेकंड ईयर में डेप्रिशिएट हुई थी ना, ये क्या है SI2 क्या है, डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग सेकंड ईयर ही है। मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया ब्रैकेट में कि तुम्हें समझ आ जाए, SI1 क्या था, डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन, समझे? यस सर। अब SI2 बच्चे किसके इक्वल हमें दिया है, 2640, इस यहां पे 2640 लिख देंगे, 88x इंटू 12, नीचे बच्चे 100 इंटू 100। एक्स अपने प्लेस पर, डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं गिवन है। हाँ जी बच्चे सर, बट फिर आपको आपने उसको सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल कैसे कर दिया? क्वेश्चन रीड कर, फाइंड द, मैं बोल रहा हूँ सुनो उसको ध्यान से, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन, मतलब एक्स फाइंड करना है हमने, विच डेप्रिशिएट्स बाय ₹2640 ड्यूरिंग द सेकंड फाइनेंशियल ईयर। यस सर, यहाँ पे तो ये कम हो रही है ना, उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट है सर, ये सिंपल। हाँ, फिर यहाँ पे देखो ये सिंपल इंटरेस्ट ही माइनस करके आता है बच्चे, ये क्या लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन ही है ये फर्स्ट ईयर की, तभी माइनस किया है ना। ओके सर, एक चीज समझाता हूँ, ₹10,000 का मशीन ले ली कोई, ओके सर, डेप्रिसिएशन हुई 10% एक ईयर में, ओके सर, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू 10 इंटू 1/100, कितना आ गया, 100 रुपी आ गया ना, यस सर, 10,000 थी ना, 1,000 रुपी आ गया, तो इतना ये डेप्रिसिएशन ही हुआ 1,000, यस सर। ऐसे ही बच्चे सेकंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन जो SI2 आएगा, सर बस वहां पे कोई सर्टेन अमाउंट गिवन थी, यहां पे अमाउंट गिवन नहीं थी, तो हम इंटरेस्ट के साथ कर दिया। हां जी, एक्स के साथ, एक्स के साथ बच्चे, वहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट ही निकाला है ना, तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर 10,000 माइनस 1,000 रहेगी, 9,000 पे इंटरेस्ट लगेगा अभी, मतलब जो डेप्रिसिएशन होगी वो 9,000 पे होगी अभी, यस सर। तो वैसे ही यहां पे एक्स की फॉर्म में है बच्चे सारा कुछ, बस ओरिजिनल कॉस्ट एक्स है, प्रिंसिपल एक्स हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, P1, SI1 निकाला, P2 दैट इज द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, ये आ गई। अब SI2 क्या है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकंड ईयर, वो कैलकुलेट किया, बट हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन कि डेप्रिशिएट कितनी हुई है सेकंड ईयर में, इतनी डेप्रिशिएट हुई है, एक्स फाइंड करना है, 2640, 100 इंटू 100 ऊपर आ गया, 88 एंड 12 नीचे आ गया, You have to calculate this one and get the value of principal, मतलब original cost. समझ गए? पता चला बच्चे? Yes sir. Now the sixth sum. किसी की क्लास तो नहीं है आज? No sir. Okay, free हो आज? Sixth sum. Find the sum on which difference between simple interest and compound interest at the rate of 8% per annum, compound interest annually be 64 in 2 years. बहुत इजी है, पहले भी किया है इस टाइप का सम, 2A एक्सरसाइज में किया था कि बी में किया था सर? डिफरेंस वाले सारे बी में थे। वहां पे सीधा सिक्स सम था, बस उसमें हाफ ईयरली था, ठीक है? चलो मैं कर ही देता हूं सिक्स सम भी। फाइंड द सम, प्रिंसिपल बच्चे एक्स ले लो, ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 8% पर एनम फॉर 2 ईयर, टाइम 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, कैलकुलेट करो बच्चे, प्रिंसिपल एक्स
रेट एट टाइम टू आएगा, ये ध्यान रखना अभी, क्योंकि मैंने सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर फाइन कर रहा हूँ, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट तो बाद में करूंगा, ऐसे ही रख लो एक बार, 100 नीचे रहने दो, कट मत करो अभी, ये आ गया। नाउ व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, यहां पे लिख दो लाइन एनुअली, एट दैट टाइम सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल एक्स है, रेट बचे एट एट टाइम वन अपॉन हंड्रेड रुपी एट एक्स बाई हंड्रेड। मैं 100 में क्यों रखा रहा हूं कि मुझे एलसीएम लेना इजी हो जाए। प्रिंसिपल टू मतलब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस ये अमाउंट, मतलब सीधा 100 एलसीएम आएगा, 100 एक्स प्लस एट एक्स कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 100 एट एक्स अपॉन 100 आ गया। अब एस आई टू प्रिंसिपल बच्चे 100 एट एक्स अपॉन 100, रेट 8 है टाइम 1 अपॉन 100, 8 64, 864 अपॉन 10,000 इतने रुपीस। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर कितना बनेगा इप्सिता सर? और सर फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, और कोई वे सर? दोनों अमाउंट्स को प्लस कर दो, नहीं दोनों सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो बच्चे, सॉरी सर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो, फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट बना, सेकंड ईयर का ये इंटरेस्ट बना, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 10,000 एलसीएम, 100 इंटू 8 800 एक्स प्लस 864 एक्स, ऐड किया बच्चे 1664 एक्स अपॉन 10,000, ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स। नाउ उन्होंने क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये गिवन है हमें वैल्यू, कितनी गिवन है 64 गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेस पे बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी 1664 और एक्स अपॉन 10,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दैट इज दिस वन 16x अपॉन 100 इक्वल टू 64 ये आएगी ना। एलसीएम ले लो बच्चे 10,000 1664x माइनस 100 इंटू 16 1600x 64x अपॉन 10,000 64 ऊपर 10,000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 64 नीचे कट हो गया, कितना आ गया रुपी 10,000 आ गया बच्चे, दिस इज द प्रिंसिपल। आई समझ बच्चे इस सम की? यस सर। सिंपल है yes, sir. सिर्फ कैलकुलेशन ही है, बोरिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, मैंने पहले ही बोला है सर। ये जो टू डी एक्सरसाइज है ये एज मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं गिवन आपकी बुक में? समझ नहीं आई क्या बोल गए? जो टू डी एक्सरसाइज है वो रिवीजन एक्सरसाइज नहीं गिवन आपकी बुक में? नहीं। ओके सर। रिवीजन ही होती है एक टाइप से तो, ये देखो लिखा तो नहीं ना कहीं पे भी? नो सर। चलो कोई बात नहीं, करनी है सारा कुछ ही करना है, एग्जाम में आए चाहे ना आए बट नेक्स्ट क्लासेस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, दैट्स द रीजन। अब अभी टेंथ में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोर्शन छोड़ दिया था जो नहीं आना था एग्जाम में, अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको क्योंकि बेसिक उनका क्लियर नहीं है, एकदम से आगे से शुरू हो गया, समझे मेरी बात? ये सोच के मत चलना कि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा या स्कूल वालों ने छुड़वा दिया, नहीं हमने सारा करना है, ठीक है अक्षिता? ओके सर। टीचर्स क्या करते हैं बच्चे, खुद को इजी करने के लिए कि हम कहाँ समझाएंगे, कहाँ बच्चों के दिमाग में एंटर करेंगे इस सम को, वो छुड़वा देते हैं, और मतलब ये बच्चों के साथ ना खिलवाड़ करते हैं वो टीचर्स जो छुड़वा देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का द्वारा सुना दीजिए इस बार। कुछ नहीं बच्चे, विराज इस समय है क्या बेटा मुझे ये बताओ पहले। प्रिंसिपल एक्स
रेट एट टाइम टू. क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले रीड कर, मुझे तू बता, मैं तेरे को ये छुपा लिया मैंने. बोलो बच्चे. क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड करना है द सम और प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, उसको मैंने एक्स ले लिया है. यस सर. हाँ जी बोलो क्या दिया है. और सर फॉर द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% रेट 8% है. सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का इकट्ठा कैलकुलेट कर लेंगे ना. यस सर. ये प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. यस सर. वो कैलकुलेट करना है. यस सर. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा 2 ईयर के लिए, रेट पता है सर, कर लूंगा. वही चीज की है बच्चे. और क्या किया है मुझे ये बता. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फर्स्ट ईयर का, P2 आया, फिर SA2 कैलकुलेट किया. अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा. अब गिवन क्या था, दोनों का डिफरेंस गिवन था 64, उसके इक्वल किया और कैलकुलेट किया है बच्चे. ओके सर. कैलकुलेशन जितना अपनी तरफ से करोगे ना उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी. यस सर. 7. A sum of rupee 13,500. Principal is rupee 13,500. Is invested at 16% per annum compound interest for 5 years. Rate of interest 16%. Time period 5 years. Interest for the first year. इसको P1 लिख दो बच्चे. SI1 पहला पार्ट सिंपल है. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 13,500 रेट 16 टाइम 1/100. जीरो से के जीरोस कैंसिल. 16 फाइव्स आर 80, 8 कैरी. 16 थ्रीज आर 48, 8, 56, 5, 16 फाइव 21. ये पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. अमाउंट एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. अमाउंट 1, इसका मतलब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ना, P1 प्लस SI1. प्रिंसिपल कितना है बच्चे, 13,500 है. इंटरेस्ट कितना है, 2160 है. ऐड करो बच्चे 0, 6, 6, 5, दिस 15,600. 62nd पार्ट का आंसर आ गया. इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू नियरेस्ट रूपी. अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर सिंपल SI2, जो ये बच्चे A1 है दैट इज ऑल्सो P2 ना. प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट है वही होती है ना प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. यस सर. SI2 कैलकुलेट करना है, ये प्रिंसिपल यूज करेंगे. रेट 16 है, टाइम 1 है, नीचे 100, एक जीरो कैंसिल कर दो. 16 6 96, 9 कैरी. 16 6 96, 9 105, 10 कैरी. 16 5 81, 10 90, 9 कैरी. 16 9 25 अपॉन पीछे जीरो कुछ नहीं है, अपॉन 10, डेसिमल लगाओ बच्चे, 2505.6 आ गया. अब उन्होंने नियरेस्ट रूपी बोला है, मतलब डेसिमल छोड़ना है, तो राउंड ऑफ करो. सर 2006. यस, लास्ट डिजिट जो था डेसिमल वाला वो 5 या 5 से बड़ा था ना, तो पिछला डिजिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. दिस इज आंसर. इजी सम था ये तो. यस सर. बहुत इजी था. yes, सारा सम तुम्हारे सामने है अभी. नाउ द 8th सम. सौरभ इन्वेस्ट रुपी 48,000 फॉर 7 इयर्स. आई थिंक सेम टाइप का सम ही है सर. हो जाएगा सर. सर इजी है. अंकित हो जाएगा बच्चे. हाँ सर हो जाएगा. हरमन सर हो जाएगा. हरमन हरमन रूप सही है, सो जाएगा. अब तेरा रूपनीत नाम लेना बहुत मुश्किल है. रूप ठीक है अकेला. यस सर. जोया जोया. यस सर. ओके नाइन सम बच्चे. अशोक बोरोड borrowed rupee 12,000 at some rate percent compound interest. After a year, he paid back rupee 4,000
If compound interest for the second year beat 920, find the rate of interest charged. यहाँ पे देखिए. रेट परसेंट बच्चे फाइन करने हैं. सर हर साल के लिए रेट सेम है. हाँ जी बच्चे हर साल के लिए सेम है. एक्स परसेंट पर एनम ले लिया. आफ्टर ए ईयर ही पेड बैक 4000. पहले तो बच्चे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइन करो. एस आई वन प्रिंसिपल 12000 रेट एक्स टाइम वन अपॉन 100 बच्चे जीरोस कैंसिल रुपी 120x आ गया. अब प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर 12000 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट माइनस 4000 ये भी करना है ये ध्यान रखना समझे. यस सर. 4000 माइनस क्यों किया पता चल गया बच्चे सबको. इसके साथ बचे रुपीस. दैट इज अ प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर. अभी सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर प्रिंसिपल ये यूज करेंगे बच्चे 8000 प्लस 120x इंटू रेट एक्स एट टाइम वन है नीचे 100. एस आई टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर गिवन है हमें 920. यहाँ एस आई टू के प्लेस पे बच्चे 920 आ जाएगा. एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8000x प्लस 120x नीचे 100 है उसको ऐसे ही रख लिया. 100 बच्चे ऊपर चला जाएगा 92000 यहाँ पे बच्चे 8000 एक्स प्लस 120x. मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ. यस सर. ये पैरेलल तुम्हारे दिखता रहे तुम्हें एक्स स्क्वायर आएगा बच्चे 120. अब इस टर्म को बच्चे एक साइड पे रखो नाइन इसको उस साइड ले जाओ मतलब 120x स्क्वायर अपने प्लेस पे 8000 यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा बस आगे पीछे किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है माइनस 92000 इज इक्वल टू जीरो. चाहे उस साइड जीरो लिख दो चाहे इस साइड लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना जीरो के इक्वल ही है. अब इनमें से जो कॉमन है बच्चे वो कॉमन लो पहले. व्हाट इज कॉमन हियर सर 2x 10 कॉमन है एक तो सीधा ही x तो है ही नहीं इसमें थर्ड टर्म में x नहीं है ना. नो सर. एक तो 10 कॉमन है 120 के टेल में 800 आता है कि नहीं. चलो पहले 10 कॉमन ले लिया आगे देखते हैं उसके बाद क्या बनेगा. जो 10 कॉमन लिया था वो नीचे चला जाएगा ना 0.10. अभी 4 के टेबल में ये जा रहा है ये भी जा रहा है 4 कॉमन ले लो 3x स्क्वायर बचेगा यहां से 200x बचेगा बच्चे यहां से 4 2 8 3 12 2300 बचेगा. 0/4 भी मैं नीचे ले गया क्योंकि 0.10 जीरो बनेगा पर जो 4 कॉमन आएगा वो भी नीचे जाएगा जीरो बन जाएगा. 23 3s are 6900 के फैक्टर. देखो मिडल टर्म कहाँ कहाँ पे आ जाती है यहाँ आ गई ना सर. ऐसे पता चलेगा हमें एग्जाम में कहाँ पे मिडल टर्म लगानी है एकदम से. जब बच्चे स्क्वायर आ गया अब इसको सॉल्व कैसे करेगी और क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का कर ही नहीं सकते हम. स्क्वायर वाली टर्म है एक्स वाली टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म है बाकी प्रैक्टिस है बच्चे सीधी सी बात है मैथ जितना करोगे उतना ज्यादा आएगा. मैथ से जितना भागोगे उतना ये डराएगा ठीक है. ओके सर. देखो कोई भी चीज कहीं पे भी आ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कहीं पे भी आ जाता है ना कि नहीं आता. आ जाता है सर. फिर वैसे ही बच्चे मिडिल टर्म भी कहीं पे भी आ जाती है. और जब मैं मिडिल टर्म सिखा रहा था उस टाइम बोला था ना कि जिसको ये आ गई उसको 10th क्लास आधी आ गई. सर आती है सर ये नहीं प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम ये है कहीं पे भी आ रही है सर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट. ये देख अब ये इक्वेशन बन गई
अब इसमें क्या करेगी, कैसे x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकती है इसमें, ये बता। तीन टर्म्स आ गई, अकेला x वाली ये ना होता, x वाली टर्म होती फिर तो सीधा आ गया था, 23 उधर चला गया, 200 नीचे चला गया। अब c into this 26900 के फैक्टर्स जिनको माइनस करिए, माइनस है ना लास्ट पे, 200 आए, फैक्टर्स बनाओ इसके 6900 के, 2 पे 1150, 2 पे 5 7 5 5 पे 125, 5 3 15 2 30 2 60 नहीं, 125 2 250, 5 3 15 2 30 बनी नहीं रहे, क्या करें अभी, 6900 चाहिए है ना, चलो दूसरा वे अपना के देखता हूँ मैं इसका, 6900 जिनको माइनस करें 200 आए, 300 एंड 100 लेंगे तो 30,000 आ गया, बहुत ज्यादा आ गया माइनस करके। सर आपने ऊपर 2 से डिवाइड किया था 6900 तब जब फैक्टराइजेशन कर रहे थे, पहले 3 से किया है बच्चे, सर 2 से भी हो जाएगा, हाँ वो तो 2 से किया है, नेक्स्ट स्टेप में कर दिया ना, एक सेकंड अभी इसका आंसर, इसका आंसर क्या दिया है पीछे क्वेश्चन नंबर 9 का, सर 10% 10% दिया है, यस सर, और सेकंड वाला दिया 10,120, ओ तो हो जाएगा, पहले फर्स्ट वाला तो आए, 230 एंड 30 बनेंगे बच्चे, 230 एंड 30 बनेंगे, 230x माइनस 30x माइनस 2300 फर्स्ट टू में लास्ट टू में, x कॉमन क्या बच गया, 3x प्लस 230, इन दोनों में बच्चे माइनस 10 कॉमन, 3x प्लस 230 क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, यार कुछ ज्यादा ही हो गया, ये सेम आ गया, जीरो के इक्वल और x माइनस 10 जीरो के इक्वल, फ्रॉम हेयर x की वैल्यू बच्चे माइनस में आएगी, माइनस 230 अपॉन 3, यहां से x की वैल्यू 10 आएगी, तो 10 ये रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, 10% आ गया। सेकंड बच्चे अमाउंट ऑफ डेब्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यस सर, प्रिंसिपल दिया है, वो सीधा ऐड कर, कितना आंसर दिया सेकंड पार्ट का, अच्छा सॉरी पे भी कर दिया था ना उसने, पे वाला तो हमने लिया ही नहीं, इसमें बच्चे एक्स की वैल्यू फिल कर देना, एक्स की वैल्यू फिल कर देना, यस सर, और उसके बाद 920 इंटरेस्ट था वो ऐड कर देना है, समझे, अमाउंट आ जाएगी, कैलकुलेट करना अपने आप, ट्राई करना। लास्ट सम कोई बात नहीं, ट्राई करना अपने आप, कोशिश तो करो कि अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, सारा कुछ एक्स की वैल्यू तो निकल समझ आ गई क्या, नहीं आई वो भी नहीं आई, सही सर वो भी नहीं आई, चलो फिर 9th सम मैं फिर से करवा देता हूँ, फिर से देख लो बच्चे, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर रुपी 12,000, रेट परसेंट फाइंड करना है वो एक्स परसेंट पर एनम ले लिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट निकालो फर्स्ट ईयर का 12,000 इंटू रेट एक्स है बच्चे, टाइम वन है अपॉन 100, 20s कैंसिल होगी, कितना आ गया रुपी 120x आ गया। अब प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर फाइंड करो, 12,000
प्लस 120 एक्स माइनस 4000 बच्चे 4000 क्यों किया क्योंकि उसने रीपे कर दिया था आफ्टर वन ईयर कैलकुलेट किया बच्चे 12000 में से 4000 माइनस किए 8000 प्लस 120 एक्स ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया SI2 कैलकुलेट करो प्रिंसिपल बच्चे ये यूज करेंगे हम 8000 प्लस 120 एक्स इंटू रेट एक्स है इंटू टाइम वन है अपॉन 100 SI2 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज गिवन 920 एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करो 8000 एक्स प्लस 120 एक्स बच्चे नीचे 100 है एक काम और कर सकते हैं यहां से 10 कॉमन लेके कट कर दो पहले 10 कॉमन ले लो क्या बच गया 800 एक्स या एक्स स्क्वायर था एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे बच्चे 12 एक्स स्क्वायर नीचे 100 एक जीरो कैंसिल कर दो 10 को बच्चे ऊपर ले जाओ 9200 800 एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया हाँ जी बच्चे बोलो तेरी सिंपल इंटरेस्ट है 920 कैसे आया दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में देख उन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स फिर दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना था अब क्या है सिर्फ सेकंड ईयर का 9200 इज इक्वल टू जीरो बच्चे मैं एक बार इस साइड ही लिख देता हूँ तीनों में बच्चे थ्री कॉमन है सॉरी फोर कॉमन है 3x स्क्वायर प्लस 200x फोर कॉमन लेंगे बच्चे कितना बनेगा 4 × 8 = 12 2300 इज इक्वल टू जीरो इस साइड डालना है उस साइड डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल टू जीरो ही है 3x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2300 इज 0/4 0 अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट बच्चे मिडल टर्म आती है कि नहीं आती आती है सर आती है वही किया बच्चे मैंने 3x ओनली कॉमन 3x प्लस 230 नेक्स्ट टू में बच्चे माइनस 10 कॉमन आएगा 3x माइनस कॉमन लिया साइन चेंज हो गया प्लस हो गया 230 3x प्लस 230 कॉमन आ गया और साथ में क्या आ गया x माइनस 10 ये अलग से जीरो की इक्वल ये अलग से यहां से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 230 अपॉन 3 आ गई और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 10 आ गई ये रिजेक्ट हो जाएगा ये क्या आ गई हमारे पास रेट आ गया सॉरी r को लेट किया था ना 10% पर एनम आ गया पहला आंसर हमारा आ गया और सेकंड पार्ट द अमाउंट डेब्ट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर अमाउंट फॉर सेकंड ईयर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये था बच्चे हमारे पास प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर फाइंड किया था ना 8000 प्लस 120x प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें गिवन ही है 920 अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया था एक्स की वैल्यू यहां पे 10 फिल कर देंगे 8000 प्लस 1200 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएगा ना प्लस 920 इन तीनों को ऐड करो बच्चे 0 2 9 2 11 वन कैरी 2 10 10120 गिवन आंसर यस सर ये समझ आई बच्चे अमाउंट टू प्रिंसिपल टू प्लस SI2 यस सर प्रिंसिपल टू एक्स की फॉर्म में था बच्चे हमारे पास ये रहा प्लस SI2 920 गिवन ही था हमें एक्स का चला गया 120 का आ गया एक्स कैसे बच्चे 120 आ गया एक्स क्या कर रहा है समझ नहीं आई क्या बोल जाता है यार तू थोड़ा स्लो बोला आ गया समझ लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट सी डॉट आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर दिस 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 रिस्पेक्टफुली
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर फॉर द थर्ड ईयर. अब यहाँ पे बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे क्योंकि उन्होंने अलग अलग पूछ लिया. ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर दिस 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी लेट सर प्रिंसिपल भी तो नहीं गिवन है. एक्स ले लो, रेट को बच्चे वाई परसेंट ले लो. ठीक है समझे? यस सर. वैसे रेट परसेंट डिफरेंट है ना, ऐसे क्यों लेना सर? हम सिंपल जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया होता है हम उससे भी तो सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास दोनों बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है ना सर, तो दोनों का डिफरेंट निकल जाएगा बच्चे. रेट ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट है, सेकंड ईयर के लिए डिफरेंट है, थर्ड ईयर के लिए डिफरेंट है. नो सर, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं ये बोल रही हूँ जैसे हमारे पास इन्होंने पहले बोला सेकंड ईयर का निकालो, तो सेकंड ईयर के लिए हमारे पास जो कंजेक्टिव ईयर बचेगा मतलब जो पिछला प्रीसीडिंग ईयर होगा वो होगा 1500 क्योंकि हमें पिछले साल का हम डाल देंगे उसके अंदर. हाँ जी, ये निकल तो जाएगा. हाँ जी बोलो बच्चे. वो ना हो तो जाएगा बट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा सर. क्यों? किसी को समझ नहीं आएगा. मुझे पता है कि मुझे फिर से ये करवाना पड़ेगा. एक बार ये देख लो उसके बाद दूसरा बता देता हूँ. प्रिंसिपल एक्स रेट वाई. अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल एक्स रेट वाई टाइम वन अपॉन हंड्रेड एस आई वन. कितना गिवन है हमें? 1500 गिवन है. एक्स वाई की वैल्यू आ गई. यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल ले के वाई की निकाल ले. ये नहीं समझ आएगी. एक सेकंड बच्चे रुक जाओ, थोड़ी सी गड़बड़ है इस सामने. सही, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा ना? नहीं बेचा, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा ना. ये डिफरेंस वाले मेथड से करना पड़ेगा नहीं तो टेढ़ा बन जाएगा. ठीक है, डिफरेंस ही करना पड़ेगा बच्चे. सही है सर, बहुत इजी. हाँ वही दिख रहा हूँ. डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1725, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1500. माइनस किया बच्चे कितना आ गया? 5 × 7 = 225 आ गया सर, 225. और 8% का फॉर्मूला क्या था? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनटू 100. यहाँ पे R1 लिख दो बच्चे, इसका मतलब है फर्स्ट इंटरेस्ट, मतलब सेकेंड ईयर का, सॉरी सेकेंड माइनस फर्स्ट है ना, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू हंड्रेड पक्का? यस सर. अपॉन सर 1500. वेरी गुड. जो सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा बच्चे. यस सर, सर 15 आ रहा है कैलकुलेट करके. 15% ऐसे ही बच्चे. सेकेंड हमने फाइंड क्या करना है? थर्ड ईयर का है ना. आर 3% में सीधा निकाल दूं. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 2070 माइनस सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 1725 इनटू 100 अपॉन 1725. सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था माइनस करो. 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए 4, यहां पे क्या बच गया? 9 में से 2 गए 7 गए 2, 245 बच गया. एक मिनट, नहीं सॉरी 345, सेवन में सी गया था ना वो तो.
इंटू हंड्रेड अपॉन 1725। कट करो बच्चे, आई थिंक 5 के टेबल पूरा पूरा कट होगा। 345 इंटू 5 कितना बनता है? 5 5 25 2 22 2 15। हाँ पूरा पूरा कट हो गया, 5 के टेबल पे बच्चे 20 आ गया। रेट 3% कितना आ गया? 20%। हमारे पास रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट परसेंट का डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ईयर्स का डिफरेंस, मतलब SI2, मतलब यहाँ पे सेकंड ईयर का फाइंड करना है ना, तो R2 लिख दिया। SI2 माइनस SI1 डिफरेंस हो गया इंटरेस्ट का, इंटू 100 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट फॉर प्रोसीडिंग ईयर, प्रोसीडिंग मतलब पहले वाला SI1। ये फॉर्मूला लगाया बच्चे। R3 फाइंड करना है थर्ड ईयर का, तो SI3 में से SI2 माइनस होगा इंटू 100। प्रोसीडिंग ईयर कौन सा है दोनों में से? SI2 है ना। ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूलाज में वैल्यू फिल किए बच्चे, और कुछ नहीं किया। समझे? यस सर। मिराज, हरमन, रूप, यस सर, यस सर, जोया, जोया, जोया सो गई। हाँ जी, समझ आ गया बच्चे, कर लोगे ना? यस सर। तो चलो, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है सर? 9।